देश में गेहूं के संकट को देखते हुए भारत द्वारा एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बैन लगाने का असर दुनिया के बाजार में दिखने लगा है। दरअसल इस बार जल्दी हीट वेव आने से गेहूं की पैदावार में कमी हुई है। अनुमान से कम उत्पादन की वजह से गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक गेहूं के दामों में 60% तक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं G7 देशों ने भारत के कदम का विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट गहरा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक गेहूं के निर्यात पर बैन लगाते ही ब्रेड से लेकर नूडल्स तक के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ते दामों की वजह से आने वाले वक्त में कई देशों में गेहूं से बनी खाद्य वस्तुओं के लाले पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत ने बीते शुक्रवार को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, यानी अब भारत विदेशों में गेहूं को नहीं बेचेगा। सरकार ने इसके लिए भारत और पड़ोसी देशों में फूड सिक्योरिटी का हवाला दिया है। दरअसल सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए कदम उठाया है। सरकार ने कहा है कि अब सिर्फ उसी निर्यात को मंजूरी मिलेगी जिसे पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है। वहीं उन देशों को भी इसकी सप्लाई की जा सकेगी जिन्होंने भोजन सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए सप्लाई की अपील की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई के आंकड़े ने सरकार को निर्यात पर बैन लगाने के लिए मजबूर किया है। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से भारत में रिटेल महंगाई की सालाना दर अप्रैल में 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24।